अंडरवर्ल्ड के नाम से जाने जाने वाली ये दुनिया दरअसल एक तीसरी दुनिया है। यहाँ एक तीसरा व्यवसाय चलता है। अंधेरे में चलने वाला ये व्यवसाय इस शहर के गुंडों की जीवन रेखा है और इसको चलाने वाला है पेट्रोल। स्टूडेंट्स को आज आसानी से मिलने वाले अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, इन सब के सप्लायर यही लोग हैं और इनकी वजह से यह धंधा यहाँ पूरे जोर शोर से चलता है। पेट्रोल का पार्टनर है पीसी। पीसी का मतलब पुलिस कॉप नहीं, परफेक्ट कैचर। जाने दो। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में अपने पैर फैलाता जा रहा है एसिड बाबू, और इस एसिड बाबू का छोटा भाई है पेट्रोल। पेट्रोल के ये सारे काले कारनामे प्रेस और टीवी वाले एक्सपोज तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत और गवाह न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही है और इनके कुकर्म बढ़ते जा रहे हैं। क्यों भाई, पेट में जो चूहा है वो ये मांग रहा है क्या? भाई, चिका भाई के नाम पे एक चाय और बन देना इसको। खा लो बॉस। वरना सेटलमेंट के लिए जब सेटिंग करनी होती है तो सिर्फ एसिड बाबू का नाम लिया जाता है यहाँ बेंगलुरु में, तो तूने कोतवाल का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? जो पिक्चर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो चुपचाप देखते रहना, समझे? इसके सिर पे मत मारना, जल्दी मर जाएगा। इसके राइट पैर पे मार। अब इसे उठाकर ट्रेन ट्रैक पर फेंक दो। पागल है क्या तुम? तो ऐसे राजा की तरह बैठा है जैसे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। पता है कौन आया था? एसिड बाबू, बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड का किंग, और उसके सामने तू ऐसे बैठा हुआ था। मर्डर किया है उसने। ये तेरे को डर नहीं लगता है क्या? उसका मतलब क्या होता है? तू पूछ रहा है उसका मतलब क्या होता है? ए राजा, नाम क्या है तेरा?
मालिक। मालिक मतलब राजा है तू, किधर जा रहा है? जिधर मैं पैर रख दूंगा उधर। ओ अच्छी बात है, आने को पैसे नहीं और कह रहा है जिधर पैर रखूंगा उधर। होश में है तू? लगता है सुसाइड करने के लिए तू यहाँ बेंगलुरु आया है। चुपचाप अपने गांव चला जा। भाई चिका भाई का नाम पे लिख देना, हिसाब कर दूंगा। अरे चल हट चिका भाई, भिखारी, खुद के खाने के पैसे नहीं है और दूसरे को खिलाएगा यहाँ पर, चल जा। ए सुन, अभी जो यहाँ से गया वो कौन है? अरे छोड़ो उसको, बच्चा चुराता है वो। ये वाला लॉकअप खोल दीजिए जल्दी। गहरी नींद में थे, लगता है डिस्टर्ब कर दिया। 3 साल से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आंख बंद करता हूँ एसिड बाबू नजर आने लगता है मुझे, नींद उड़ चुकी है मेरी। डायबिटीज के पेशेंट को सही समय पर खाना पीना करना चाहिए। ए, जब तक एसिड बाबू को मार नहीं देता तब तक पीपी, शुगर, हार्ट अटैक मेरी ओर नजर भी नहीं कर सकते। एसिड बाबू ने आपके आदमी को वहाँ टी स्टॉल पर मार डाला है, आपको पता चला कि नहीं? वो सोच रहा है खामोश बैठा हूँ तो उसकी बलि चढ़ाना भूल गया हूँ। ये कोतवाल है, इसको बेल नहीं मिली अब तक और एसिड बाबू को मारने का सपना लिए पिछले कई साल से जेल में ही सड़ रहा है। चिंगारी भड़क रही है, आग कभी भी लग सकती है। आज न छोड़ेंगे तो बन और चाय वाला मालिक। ए, बन और चाय वाला मालिक नहीं, मालिक। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस भाई के पैलेस का एड्रेस आखिर तुम्हें किसने दे दिया भाई? कचरे में फेंके बच्चे चुराने वाले चोर का पैलेस ही है। ये कौन सा पैलेस है? तेरे बाप की समाधि। इसने तो मेरे ऊपर ही हाथ डाल दिया, बच्चों का चोर, मेरे बारे में सब बता दिया क्या? वो क्या है कि अपने लव की वजह से मैं बेंगलुरु आया, मीटर वाले के पास अपने आप को गिरवी रखा, मेरी लवर फाइनेंसर के साथ भाग गई, ये सारी कहानी बता दी क्या? तेरी गर्लफ्रेंड फाइनेंसर के साथ भाग गई है क्या? बाप रे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हो गई मुझसे? क्योंकि ऐसा क्यों किया? क्यों कचरा किया अपना? क्यों किया? क्यों किया? तू तू हेलो, ओवर एक्टिंग बंद कर, मुझे नींद आ रही है। ओवर एक्टिंग? मालिक मालिक ये बिस्तर मेरा है मालिक। ओए एक फटका दूंगा तो बत्ती सी बाहर आ जाएगी। सो जा, कचरे की जिंदगी इसी को कहते हैं। अच्छा मालिक, मालिक मालिक क्या है? आप ऊपर सोए हो? हाँ तो। और मैं नीचे सोया हूँ। हाँ तो क्या करूँ? आपको नींद में सुसु वुसु करने की आदत तो नहीं है ना? अपनी बहन का एड्रेस देगा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जय जगम्मा। क्या भाई मालिक, बेंगलुरु को इतना सीरियसली देख रहा? परचेस करेगा लीज पे लेगा है? सोच रहा हूँ कि किधर से शुरू करूँ। ए भाई तू क्या कैंपे गौड़ा का आखिरी वारिस है? कल जो तूने चाय और बन खाया ना उसका फाइनेंसर मैं था, और अगर तुझे नाश्ता चाहिए ना तो वो भी मेरी जेब से कटने वाले हैं, और उसके बाद किधर से शुरू करना ऐसा बोल रहा है? बहुत बढ़िया, इसे ही कहते हैं बेगर ड्रीम। भाई वो ऐसे ही बोल दिया यार। भाई जरा नाश्ता करवा देना। नाश्ता क्या, मैं क्या तेरी माँ का स्टेपनी बेटा हूँ कि तू जो मांगेगा मैं दिलवा दूंगा? मेरी माँ का स्टेपनी बेटा अगर बच्चों का चोर होता तो मैं उसे उधर ही मार डालता। ये बच्चों का चोर है। ये बुड्ढा क्यों चालू हो गया? चाचा ये सिर्फ बच्चों का चोर नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड फाइनेंसर के साथ। स्टॉप 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 स्टॉप, उस ओल्ड बॉडी ने तुमसे इस मैटर के बारे में पूछा था क्या? तुम्हें क्या चाहिए? चित्र आना चाहिए ना, वो मैं दिला दूंगा। पाया सूप ही चाहिए। ये टू मच हो गया बस। चाचा हो गया हो गया हो गया, डन 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 डन। कुछ नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। हेलो, किधर मटर गश्ती कर रहे हैं जी? हम हमारे अड्डे पर हैं। जल्दी से घर आ जाइए। एड्रेस दो आंटी, आ जाऊंगा सोना। एड्रेस? आंटी तुम मेरे पति राम ही बोल रहे हो? नहीं मैं हूँ चिक्का। तो तेरे मुंह में कीड़े पड़े, अरे बता नहीं सकता था तू मेरा पति नहीं है? फोन रख। रॉन्ग नंबर में भी क्लास लेने लगे हैं बॉस। लगता है किसी धांसू आदमी का फोन चोरी किया तूने। पार्ट टाइम में तू ये काम करता क्या बता मुझे? बॉस पाया सूप के साथ 90 मांग लो, दे दूंगा, लेकिन मेरा ऐसा मजाक मत उड़ा। क्या मजाक? छोड़ो बस, कम नॉट कम नॉट। चल अभी पाया सूप पिला। सलाम मैम। रागिनी वेयर आर यू? आई एम ऑन द वे।
या जस्ट अ मिनट। पाया सूप अच्छा नहीं हुआ तो बहुत मार खा गए। खराब होने का सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा था कि कॉलेज के पास आ जा, ठीक है? मैं भी वहीं आ रही हूँ। कौन है रे ये धन्ना सेठ की लड़की? भिखारी को 500 रुपए दे रही है। वो रतनलाल सेठ की बेटी है, बेंगलुरु में 5 गोल्ड की दुकान, और यह इकलौती बेटी। इसका कॉलेज कौन सा है? कैच करने के लिए स्केच बना रहा है क्या? सेठ लोग आए, वो बिहार से गुंडे बुलवा कर मर्डर करवा देंगे। तेरे को शाम को 1 लाख रुपए दूंगा। लाख रुपए? पाया सूप और इडली का बिल मैं भर रहा हूँ और 1 लाख रुपए तू मुझे देगा। ए, बच्चों के चोर। ठीक है बॉस। बता कौन सा कॉलेज? वो सब डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। गारंटी? पक्का बॉस। चलो चलते हैं। ऑटो? ऑटो? पैसे कौन देगा? अंदर रखे ना 500 रुपए। हाँ, वो भी देख लिया क्या? हाँ, मैंने और भी बहुत कुछ देख लिया। चल चलते हैं। ऑटो तो बहुत डेंजर है। माँ की कसम यही कॉलेज है बॉस। तो उद्दम मारता रहे, मैं अभी आता हूँ। ओके बॉस। आंटी एक सिगरेट देना। अच्छा बिस्किट है। ए चोर, तू मुझसे बिस्किट नहीं मांग सकता क्या? अब माफ कर दो आंटी, वो क्या है ना कि हर मीठी चीज पर मेरा हाथ अपने आप चला जाता है। बेशरम कहीं का। सॉरी, अच्छा सबक मिल गया। हेलो, आप देखकर नहीं चल सकते क्या? सॉरी। थैंक यू। हाँ बोलो पूनम। रतनलाल, तेरी बेटी का किडनैप हुए 10 मिनट हो चुका है। किडनैप? 5 लाख देगा तो तेरी बेटी सेफली तेरे घर पहुंच जाएगी, नहीं तो बिना कपड़ों के चल के आएगी। लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? ये फोन तो मेरी बेटी का है ना। तेरी बेटी सेफली घर पहुंचनी चाहिए या फिर मेरा नाम चाहिए? देखो भाई, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। पैसे कहाँ लाके दूं बताओ? नानबर्ती पुलिस स्टेशन मालूम है ना? वहाँ पे 3 बजे करेक्टली मेरा लड़का ब्लू शर्ट पहनकर पुलिस स्टेशन में अपने लास्ट केस का आखिरी साइन करने आएगा। पैसा उसके हाथ में दे देना। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। भाग लेते हैं बिंटू। बाबू, तू किधर भाग रहा है? भाई, मेरा फोन, मेरा नंबर, पुलिस स्टेशन के सामने ब्लैकमेल, पकड़ के बहुत पीटेंगे भाई। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे भाई, जाने दे। तू मालिक के साथ है, चल। अच्छा, ऐसा है क्या? सर मत मारिए सर, सर छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है सर। इधर घूम गई तुम्हारी गाड़ी। होटल के बाहर खड़ी की थी, कोई उठा के ले गया। अच्छा, गाड़ी तुम्हारी गुम हुई है तो ये क्यों शेक कर रहा है? फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन सर। फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन में किसी को मार खाते देख रहे हो? फर्स्ट टाइम? क्या हुआ सेठ जी? साहब से मिलने के लिए आए हैं। हाँ? वो अंदर बैठे हुए हैं। चाहिए गाड़ी का नंबर बताओ। K05EZ7010। ये रहे 5 लाख। दादा मेरी बेटी पहुंच जाएगी। Excuse me. Yes? सुबह फोन गिरा था ना, वो एक्सचेंज हो गया था। ये आपका फोन है। ओह, इसीलिए सुबह से रॉन्ग नंबर्स आ रहे थे। ये झोल है क्या? It's yours. Welcome. By the way, yes? आपके डैडी बार बार फोन कर रहे थे। Is it? उसे फोन करके बात करना। अच्छा ठीक है। Okay, thank you. Welcome. मैं उन्हें कॉल कर लूंगी। वाह, कब किया फोन बॉस? मारा नहीं, कुछ किया नहीं। वाह, 5 लाख की डील कर ली बॉस। पक्का बॉस, तुम तो बेंगलुरु में रूल करोगे। ये ले 1 लाख रुपए, जा ऐश कर। क्या सुगंध है बॉस, आपके साए में रहूंगा हमेशा। पुलिस आई तो भाग जाऊंगा बॉस। बॉस, आपके साए में रहूंगा बॉस। सच में? सच में बॉस। जा मजे कर, चल चलते हैं। ओके बॉस।